बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। भाजपा से हसनपुर प्रत्याशी दिनेश खटीक ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पूर्व विधायक गोपाल काली द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने सिर्फ यही कहा, इसका जवाब वह नहीं बल्कि जनता खुद देगी। देखिए क्या कहा दिनेश खटीक ने। 100% जीत है, क्योंकि इतिहास है। हस्तनापुर जब जब जीतता है, बीजेपी की सरकार बनती है और 2022 में पुनः योगी जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? मुद्दा साफ है, दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, गरीब हो, सब लोगों को एक साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लेकर पुनः 2022 में सरकार बनेगी। आपके खिलाफ फिर आप विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो रह गए जिसको आपको पूरा करना है? काम तो आदमी को पूरी जिंदगी करने चाहिए, लेकिन मैं बधाई देता हूँ इसके लिए आदरणीय योगी जी को कि आज तक के इतिहास में इतना विकास कहीं नहीं हुआ जितना हस्तनापुर के अंदर हुआ। तो जब से असेंबली के चुनाव होते हैं, जब से लेकर और आज तक 950 करोड़ रुपए कीमत से चाहे बिजली घर हो, चाहे 150 करोड़ रुपए की कीमत से चेता वाला घाट हो, पुल हो, चाहे 3 डिग्री कॉलेज हो, चाहे सड़कों का नव निर्माण हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, मतलब चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, वंचित हों, सबको साथ लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी। बहुत ज़्यादा विरोध हो रखा है, गोपाल काली जो आपके ही पार्टी के थे उन्होंने भी आपका विरोध जताया, पिछली बार भी जताया था, आप पे कई आरोप भी लगे हैं, तो इसको लेकर क्या आपको कहना है? कोई मुझे किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, जनता सब जानती है। पिछली बार भी कोई विरोध हुआ था तो आप जनता का आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और आप उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक बने, उसके बाद आप मिनिस्टर बने। ये आरोप प्रत्यारोप तो आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर, कोई किसी को कहे, कोई किसी पार्टी को कहे, लेकिन इसका जवाब जनता देती है और 2022 में मंत्री जी 7 फरवरी को जनता इसका जवाब दे। मंत्री जी आपको एक आखिरी सवाल ये है कि इस बार हस्तिनापुर का चुनाव एक सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने अर्चना गौतम जो अभिनेत्री हैं उनको टिकट दिया है और लगातार उनके कपड़ों के ऊपर टिप्पणी हो रही है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपको? वो मातृशक्ति है, वो कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, ये महिला सशक्तिकरण का देश है। दिनेश खटीक मौजूदा विधायक होने के साथ साथ राज्य मंत्री भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।